दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फेविक्विक क्या है और इसका उपयोग क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेविक्विक जिस ट्यूब में रहता है उस ट्यूब में चिपकता क्यों नहीं है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेविक्विक एक साइनो एक्रिलेट केमिकल है। यह एक तरल पदार्थ होता है जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद तुरंत प्रक्रिया करके एक ठोस स्थिति धारण कर लेता है। किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद उस पदार्थ के साथ चिपक जाता है। फेविक्विक का उपयोग किसी भी टूटी हुई वस्तु को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई खिलौना हो, कोई प्लास्टिक की वस्तु, चप्पल, जूता, लकड़ी, साइकिल के कुछ पार्ट। वैसे तो फेविक्विक जिस पदार्थ के साथ संपर्क में आता है उस पदार्थ के साथ चिपक जाता है, किंतु जिस ट्यूब में रहता है इस ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेविक्विक बनाते समय उसके साथ साइनो एक्रिलेट केमिकल नाम का पॉलीमर मिलाया जाता है। ट्यूब पूरी तरह से पैक होती है, उसमें हवा नहीं होती। जब यह हवा के संपर्क में आता है तब चिपकता है, इसलिए फेविक्विक ट्यूब के साथ चिपकता नहीं है। अगर फेविक्विक के ट्यूब का ढक्कन खोल दिया जाए तो ट्यूब के अंदर हवा चली जाएगी और निश्चित रूप से चिपक जाएगा। पर क्या आप जानते हैं फेविक्विक का आविष्कार अनजाने में हुआ? मतलब जब 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिक किसी विषय पर संशोधन कर रहे थे, तब उनको संशोधन के दौरान किसी चिपचिपा जैसा पदार्थ मिला जो किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद तुरंत ही जोड़ देने में सक्षम था। इसके बाद हैरी फोर्ड नाम के वैज्ञानिक जब 1991 में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनको इस पदार्थ का सही पोटेंशियल पता चला। फिर 1998 में मार्केट में ईस्टमैन 910 के नाम से लाया गया। इसके बाद इसे पूरे विश्व में सुपर ग्लू के नाम से जाना जाने लगा, जिसका एक वर्जन भारत में भी लॉन्च हुआ और इसे हमारे देश में फेविक्विक के नाम से जानते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।